वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है 8253 8254 माइक्रो प्रोसेसर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ गाइज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। द 8253 एंड 8254 आर प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स PITS विच परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शन यूजिंग 16 बिट काउंटर्स। यानी कि जो हमारे 8253 एंड 8254 हैं हमारे, ये क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स PITS। PITS मीन्स प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स। और जो कि जो हमारे कौन कौन से ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, टाइमिंग एंड काउंटिंग। यूजिंग कितने बिट कितने काउंटर ये यूज़ करेंगे? 3 16 बिट काउंटर्स, यानी कि 16 बिट काउंटर के वो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द 8253 डिस्क्राइब इन 1980 इंटेल कंपोनेंट डेटा कैटलॉग। यानी कि जो हमारा 8253 है वो कब डिस्क्राइब किया गया है? 1980 में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट। द 8254 इज डिस्क्राइब इन 1982 इंटेल कंपोनेंट डेटा कैटलॉग। और जो 8254 है वो कब किया गया है हमारा? 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द 8254 हैज़ अ रीड बैक कमांड नॉट अवेलेबल ऑन द 8253। यानी कि जो हमारा 8254 है ये इसके पास एक रीड बैक कमांड है जो कि 8253 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और 82 नेक्स्ट पॉइंट। 8253 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 0 to 2.6 MHz एंड 8254 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 0 to 10 MHz। यानी कि जो हमारा 8253 है वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करेगा? 0 to 20 2.6 MHz, और 8254 कितनी करेगा हमारी फ्रीक्वेंसी? 0 to 10 MHz। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन। एक बार से रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं इसको। 8253 और 8254 हमारे प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स है। PITS व्हाट? प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स। ठीक, और जो कि टू फंक्शन हमारे परफॉर्म करेंगे वो कौन कौन से? टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शन। ठीक, और कितने ये काउंटर यूज़ करेगा? 3 यूज़ करेगा। वो कितने बिट के होंगे हमारे? 16 बिट के। ठीक है, और 8253 को 3 कब डिस्क्राइब किया गया था? ये किस ईयर में कब किया गया था? ये 1980 में किया गया था। ठीक है, और 8254 हमारा कब किया गया था? 1982 में। और 8254 के पास एक कमांड है, वो कौन से कमांड है? रीड बैक कमांड। ठीक है, जो कि 8253 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और 8253 हमारे कितनी फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करता है हमारी? 0 to 2.6 MHz, और 8254 कितनी करता है? 0 to 10. अब ये तो हुई हमारी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम की। ये इसका डायग्राम है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो डायग्राम में देखते हैं हम। यहाँ पर है हमारे काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, ये है हमारी इंटरनल बस, और ये हमारे डेटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ये इनके सिग्नल्स हैं। और इसमें ये हमारी डेटा बस है हमारी D0 to D7। ठीक है, ये अभी हमारे सिग्नल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस डायग्राम के बारे में। ठीक है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था इसकी, कि ये 8253 एंड 8254 आर प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर्स PITS विच परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शन यूजिंग 3 16 बिट काउंटर्स। यानी कि कितने ये काउंटर यूज़ करता है हमारे? 3, और वो कितने बिट के हमारे? 16 बिट के। यानी कि काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 कितने बिट के हमारे? 16 16। ठीक है, ये समझ आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल बस की। देखो, इंटरनल बस तो समय में आनी है, मैं अभी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर मेरी प्लीज़ पहली वीडियो उस देखिए, और अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बस क्या होती है हमारी? कलेक्शन ऑफ वायर्स एंड कंडक्टर्स, जो कि किस लिए होती है? कम्युनिकेट बिटवीन इनपुट आउटपुट टू पेरिफेरल डिवाइसेस, और जो भी हमारे प्रोसेसर होते हैं हमारे, उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये हमारे डेटा बस बफर, ये है हमारे रीड राइट लॉजिक एंड कंट्रोल वर्ड
रजिस्टर, इसमें ये है हमारे D0 to D7, ये क्या होती है हमारी 8-bit डेटा बस बफर है, ठीक है। और RD वोट रीड सिग्नल, WR वोट राइट सिग्नल, A0 A1 क्या होती है हमारी एड्रेस पिंस, ये होती है हमारी एड्रेस पिंस, ठीक है। CS वोट, CS इज चिप सेलेक्ट, ठीक। ये हमारे होते हैं सिग्नल, क्लिक गेट आउट, क्लिक गेट आउट, क्लिक गेट आउट, ठीक। ये हमारे होते हैं सिग्नल, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली और उसको समझा, फिर हमने डायग्राम को पढ़ा और उसको समझा। अब बात करते हैं इनको याद कैसे करें, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो हमारा 8253 है और या 8254 है हमारा, वो कितने आपके काउंटर यूज़ करता है, 3, ठीक है। और वो कितने बिट के होते हैं हमारे, 16-bit के। तो याद रख, तो ये पॉइंट यहाँ से मिल गया, एक हिंट हमें यहाँ से मिली है कि ये कितने काउंटर यूज़ करता है, 3, और वो कितने बिट के होते हैं, 16। तो यानी काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2, यानी कि 16 बिट, ठीक। फिर हमें बताया कि सब में डायग्राम में अभी तक हमारी कितनी इंटरनल बस आ ही रही है, ठीक है। तो इंटरनल बस आएगी हमारे बीच में और इंटरनल बस के इधर आएंगे हमारे काउंटर, इसको ऐसे याद कर लो। और इंटरनल बस के साइड आएगी हमारे डेटा बस बफर और ये रीड राइट लॉजिक एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये तो हुआ है काउंटर्स हमारे और ये जितने बॉक्स। अब बात करते हैं हम इसके एरोस की। देखो आपको ये वाले रेड वाले एरोस दिख रहे होंगे, बल्कि ये तो इतना हार्ड डायग्राम नहीं है, तो ये हो ही जाएगा, याद करने में इतना मुश्किल नहीं होगी। और वरना इसे इसके इससे पहले जो हमने पढ़े थे 8255 और 8257, इनके सबके डायग्राम बहुत हार्ड थे, लेकिन इसका इतना नहीं है। तो देखिए आप रेड वाले एरोज देखिए, डेटा बस है, इंटरनल बस है ये हमारी, ये इन काउंटर से भी कनेक्ट हो रखी है और इन से भी काउंटर कनेक्ट हो रखी है, बस इससे नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे यहाँ यहीं से ही समझ दिख रहे हैं हमारे एरोज। अब बात करते हैं ब्लू वाले एरोज की। देखो ये डेटा बस बफर है, वो इससे भी कनेक्ट हुई और ये किससे हुआ, आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से। अब देखो ये तीनों कनेक्ट हुए हमारे, फिर यहाँ से एक एरो आया जो यहाँ से कनेक्ट हुआ और फिर यहीं से ही ये किससे कनेक्ट हुआ, काउंटर 1 से भी और काउंटर 0 से भी, यानी कि क्योंकि ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है तो ये सबसे ही कनेक्ट होगा, ठीक। ये हो गया, अब ये हो गया हमारे सिग्नल्स। अब बात करते हैं हम इनकी, ये हमारे सिग्नल इनको कैसे याद करें। देखो आपको एक हिंट मिल रही होगी, आपको एक आइडिया दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखो आप, ये काउंटर क्या है, 0, क्या है ये 0, ये 1 है, ये 2, तो यहाँ यानी कि आपको बस ये 3 याद रखने हैं, यानी कि क्लिक गेट आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक 0, क्लिक 1, क्लिक 2, यानी कि काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, यानी कि स्टार्टिंग में क्या क्या ये है तो सेम ही। देखिए आप क्लिक गेट आउट, क्लिक गेट आउट, क्लिक गेट आउट, तीनों ही हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बस जो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्या है काउंटर 0, तो यहाँ पर भी 0 0 0, और यहाँ पर क्या है काउंटर 1, तो यहाँ पर भी 1 1 1, और यहाँ पर भी आपका क्या है काउंटर 2, तो यहाँ पर भी 2 2 2, ठीक है। तो ये भी हमारा इजी हो गया याद करने के लिए, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसको समझा, फिर हमने इसका अभी इसका डायग्राम पढ़ा, इसको समझा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे ना, और इनकी जो पिंस होती है इनको याद कर लोगे ये वाली, तो आपको ना इसका जो पिन डायग्राम होगा उसको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ, जैसे कि आपका 8255 माइक्रो प्रोसेसर हो गया और 8257 हो गया, ये सब जो DMA कंट्रोलर था हमारा वो भी मैंने आपको बताया था, उसकी जो डेफिनेशन को समझिए, उसको समझिए और उसके डायग्राम को समझिए, तो आपका पिन डायग्राम इजीली हो जाएगा आपको याद करना। क्योंकि वो कैसे है? क्योंकि देखिए आप ये जो इसकी पिन्स है ना, और ये पिन्स होती हैं, ये मोस्टली आपकी हाफ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हाफ जो होती है ना हमारी, वो पिन डायग्राम में होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इनके डायग्राम को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, और इनकी इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे, तो आपको पिन डायग्राम भी इजीली हो जाएगा याद, और आपको रट्टा मारने की कोई भी नीड नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।